नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सत्यजीत गजरानी पर। आप रेगुलर अपडेट्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें रेगुलर अपडेट्स। काफ़ी समय के बाद आया हूं नई वैरायटी, नए वीडियोस और नई ज्ञान के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्लेक्स का जिप लाइन डियो। 200 ml के अंदर आता है और बहुत ही हार्ड फ्रेग्रेंसेज में है। ये लंबे स्टे के साथ है, 12 घंटे स्टे है, जिसका मन को खुश करने वाला यूनिसेक्स डियो है ये। और काफ़ी धूम मचा रहा है इस समय। 3 फ्लेवर्स में आता है ये, वाइट, ब्लू एंड ब्लैक। और ये हमारी ट्रिपल एक्स की जान, हॉट शॉट मिनी डियो। खोला डाला, लगा डाला। तो इसमें 8 फ्लेवर्स हैं, 4 इसमें मेन आएंगे, 4 इसमें वुमन आएंगे, जो काफ़ी ऑनलाइन और ऑफलाइन धूम मचा रहा है। इसके अलावा जो भी हमारे पास पिछले स्टॉक्स, रेगुलर स्टॉक्स थे, काफ़ी सारे स्टॉक मेंटेन हैं अभी। एडिडास मेन डियो को छोड़कर और डव डियो को छोड़कर कोई भी स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है। काफ़ी स्टॉक्स हमारे पास लंबे स्टॉक्स हैं। नई आई स्टॉक्स के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो नए आए हुए हैं, जैसे कि ये निविया का जंबो, निविया ये छोटे वाला, निविया डीप इम्पैक्ट, ये निविया डियो, निविया डीप इम्पैक्ट ये वाला वर्जन। इसके अलावा डियो मिल्क, ये डियो मिल्क, ये डियो के नाम से आता है, ये डियोडाइजर हो गया, ये निविया का डियोडाइजर हो गया। तो ये सब जो हैं, ये आपको सिर्फ सैंपल्स दिखा रहा हूँ। इनमें इनकी वैरायटी भी है, इनके कलर्स भी हैं, ये कंपनी केस पैक इंटैक्ट है। और इसके अलावा ये निविया का बियर्ड ऑयल हो गया, बियर्ड फेस वॉश हो गया, और निविया का ये ASL हो गया। ऐसे ही इसके बाद ये पार्क एवेन्यू के टेस्टर्स हैं। पार्क एवेन्यू का ये वाला वोएज में भी ये टेस्टर है, ये पार्क एवेन्यू मिनी, ये टेस्टर नहीं है। इसकी MRP है 149 और ये बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस में मैं आपको दे दूंगा, जो कि लेटेस्ट डील में है मेरे पास। 72 पीस का मास्टर केस है, प्राइस नहीं खोलूंगा प्राइस, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव दूंगा इसका। ऐसे ही इसके अलावा मेरे पास इसका भी काफ़ी स्टॉक आया हुआ है, पार्क एवेन्यू ग्रेविटास, जो बॉक्स पैकिंग में आता है, 36 पीस की मास्टर केस में है। और इसके अलावा पार्क एवेन्यू का ये देखिए, ये जो सबसे रनिंग होता है, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा स्टॉन्ग, और इसमें कूल ब्लू, और इसके थोड़े से ऑफ लीक जो फ्लेवर्स आते हैं, जैसे ट्रंकल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, वो भी हैं। और ये पार्क एवेन्यू का जब्बो हो गया, और निविया के मैंने आपको दिखाई दिए हैं। ये सब नए एड ऑन स्टॉक्स हैं। इसमें निविया में 1-2 फेस वॉशेज भी हैं, और कुछ ऑफ बीट स्टॉक्स भी आए हुए हैं हमारे पास, जो हम मतलब अदर प्रोडक्ट्स करते हैं कॉस्मेटिक्स को छोड़कर। ऐसे ही ये लेटेस्ट में फॉग का पाउडर है, ये भी 4 कलर के अंदर अवेलेबल है, 125 रुपये MRP है, और अच्छे प्राइस में ये भी मैं आपको दे दूंगा। एक बात मैं अपनी वीडियो में आपको क्लियर करना चाहूँ कि जो भी इन दिनों एक आप अदर यूट्यूबर्स को देखते होंगे, किसी का नाम लेना, किसी की बुराई करना, वो हमारी अच्छा शोभा नहीं देता और हमें करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कस्टमर्स के हित के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई भी चीज़ अगर आपको प्रलोभन देती है बिना किसी प्रॉफिट के, ज़बरदस्ती आपको प्रलोभन दिया जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ संचय जरूर होना चाहिए। जिस तरीके से आजकल के यूट्यूबर्स, खास तौर से दिल्ली के यूट्यूबर्स, अपनी वीडियोस के अंदर अपने आप को सरेआम ये धमाका कर रहे हैं कि मैं 150 रुपये की चीज़ 7 रुपये में दे दूंगा, 150 रुपये की चीज़ 10 रुपये में दे दूंगा, या 125 रुपये की चीज़ इतने दे दूंगा, उसके साथ हिडन क्लॉज लगाकर कि जब आप लेने चले जाओ तो 6 पीस मिलेंगे, इसके साथ में आपको ये लेना पड़ेगा, इसके साथ में आपको पेटी लेनी पड़ेगी, इतने का आपने स्टॉक लिया, इसके साथ में कॉस्मेटिक्स लेना पड़ेगा। तो इस तरीके का हमारे पास ऐसा कोई प्रलोभन नहीं होता है। मैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए बैठा हूँ, और जेन्युइन व्यापार करने के लिए बैठा हूँ, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हूँ, और सामने वाले को प्रॉफिट दिलाने के लिए बैठा हूँ। ऐसा कोई भी धोखा, ऐसा कोई भी झूठ, उसके अंदर मैं विश्वास नहीं करता। जिस प्रकार के धोखे और झूठ आजकल बोले जा रहे हैं कि हम दिल्ली में सबसे बड़े हैं, हमारे पास 3 जन्म के स्टॉक्स हैं, भाई 1 मिनट की तो सांस का आपका भरोसा नहीं, और आप 3 जन्म के स्टॉक्स की बात करते हो, तो काय का इतना घमंड और किस बात का घमंड। भैया सभी यहाँ पर अपना अपना काम करने के लिए आए, अपने तरीके से करिए, मत किसी को नीचा दिखाइए। इनको नीचा दिखाकर, अपने नुकसान कर, झूठा लालच देकर, या कस्टमर के साथ धोखा करके किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड ऑफ द डे आप अभी कमा लोगे, बाद में गंवाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि झूठ जो होता है आपका लेकर जाता है, सच जो होता है आपको देकर जाता है। तो आप सच का साथ दें,
अच्छे से काम करें, अच्छा व्यापार करें, क्योंकि जो भी कस्टमर, देखो यूट्यूब की दुनिया के अंदर कोई किसी को जानता नहीं है, हर आदमी आपसे कोसों दूर मीलों दूर बैठा है, तो वो एक पूरे विश्वास के साथ आपको संपर्क करता है, अपनी मेहनत की कमाई आपके हवाले करता है, सिर्फ आपके प्यार और आपके विश्वास के ऊपर एक भरोसा करके आपको देता है कि आप मुझे उसके बदले में अच्छी चीज दो जिससे वो कमाए। आप उसके साथ धोखा कर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ धोखा यहां भी कर रहे हैं और वहां भी कर रहे हैं। आप जिन तीन जन्मों की बातें करते हैं तो इस जन्म को तो खराब कर रहे हैं, अगले जन्म को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को क्या धोखा देते हो ये आपको भी पता है, ग्राहक को तो पता लग ही जाएगा जब उसके पास सामान जाएगा। तो आप ऐसे किसी भी प्रलोभन में मत आइए, आप पहले डील्स को फील करिए, विदाउट फील विदाउट किसी भी चीज को चेक किए आप डील मत करिए। जिस तरीके से एक बहुत ही प्यारा यूट्यूबर है हमारा, उसका एक टाइटल है कि नया दिन नई रील, तो उसी को मैं कॉपी करते हुए कहता हूं कि चेक द डील, फील द डील, देन डील, सील द डील। आप पहले उसको देखो, उसको फील करो कि सामने वाला सही है या गलत है, फिर सील करो, चाहे वो मेरे से करो या किसी और से करो। आप अपने पैसे का पूरा हित ध्यान में रखिए, सामने वाले की क्रेडिबिलिटी को चेक करिए कि सामने वाला जो बोल रहा है, और अपने दिल पर हाथ रखिए, क्या किसी के पास तीन जन्म का स्टॉक हो सकता है, क्या कोई दिल्ली का बादशाह है, क्या किसी ने दिल्ली में सबको पैदा किया है। ओ भैया, हर कोई अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है, और जिन लोगों को हमने सिखाया है, मेरे से भी बहुत सारे लोग ट्रेंड हुए हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं की। भैया, आगे बढ़ने का सबको ही मौका मिलता है, जो उस मौके को ग्रैब कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और किसी को किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। ये एक रेस है, ये एक सड़क है, और ये मंजिल आपको चलने पर ही मिलेगी, आप चलते जाइए, हजारों मुसाफिर मिलेंगे, हजारों दुकानदार आएंगे इस रेस में, तो किसी को किसी से क्या समस्या होनी चाहिए। आप अपना सामान बेच रहे हैं, आप अपने तरीके बेचिए, किसी को नुकसान देकर मत बेचिए, और झूठ तो बिल्कुल मत बोलिए, ना लेता बोले ना देता बोले, तो झूठ से क्या मिलेगा, किसी का नुकसान हुआ। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, जी हम इससे माल लेकर आए हैं, उसने हमको ऐसा किया, जी हम इससे माल लेकर आए हैं, उसने हमको ऐसा किया, तो मैं उनको यही चीज कहता हूं, जब आप उस प्रलोभन में आए थे, आपने नहीं देखा था कि जब आपको 25 के 35 कराए जा रहे थे, तब आपने नहीं देखा था, आपकी आंखें बंद थी, आपकी सोच कहां थी। आपको सोचना चाहिए कि वो आदमी मुझे क्यों बिना बात के हित दे रहा है। अगर कोई चीज मार्केट रेट्स के ऊपर बिकती है, वो एक जेन्युइन रेट्स होते हैं, और वो सबको ही पता है, एक दो रुपए का फ्लक्चुएशन, दो चार रुपए का फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर चलता है, क्योंकि हर किसी की अपनी परचेजिंग होती है, हर किसी की स्टॉक पावर होती है कि वो कितना स्टॉक परचेज कर सकता है, कितनी उसमें होल्डिंग कैपेसिटी है, कितनी उसमें रोकने की क्षमता है वो कस्टमर। अच्छा, किसी को रोटेशन पसंद है, किसी को प्रॉफिट पसंद है। अब जैसे मुझे प्रॉफिट पसंद है, मैं नीचे रेटों पर सामान बेचना नहीं पसंद करता, और गंवाना मेरी फितरत में नहीं है। मैं चीजों को होल्ड करना पसंद करता हूं, दो दिन बाद बेचना पसंद करता हूं, लेकिन कमाकर बेचना पसंद करता हूं। गंवाने वालों को ना मैं पसंद करता हूं, ना मैं खुद को पसंद करूंगा, ना मैं ऐसी कोई कोशिश करूंगा कि कोई इस तरीके का इंसान जो गंवाने के मकसद से इस व्यापार के बाजार में उतरा हो मेरे पास आए, मत आए। मेरे पिताजी कहा करते थे, चंद्रे दी यारी तो सुत्ता प्या लख दा। तो आप अपने घर में सोए हुए लाख दर्जे बेटर हैं किसी गलत आदमी के हाथों में फंसने से, किसी गलत आदमी का साथ देने से, किसी गलत आदमी की संगत करने से। आप व्यापार करने के लिए आए हैं, आप एक दुकानदार हैं, आप अपने ग्राहक को भी धोखा मत दीजिए, आप हमसे भी धोखा मत लीजिए। आप सही सामान को जांच परख कर लीजिए, डील्स को चेक करिए, डील्स को फील करिए, फिर आप उसके साथ लीजिए। अब जो भी मैंने आपको ये सारे स्टॉक्स दिखाए हैं, देखिए जैसे ये निविया का फ्रेश बूस्ट लॉन्ग लास्टिंग है, देखिए इसमें स्टॉक लॉट होने के कुछ रीजंस होते हैं, कुछ की डेट नियर एक्सपायरी होती है, कुछ मॉडल आउट हो जाते हैं, कुछ की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक लॉट खराब माल होगा। मैं किसी भी खराब माल को, डेंटेड स्टॉक को, बेकार स्टॉक को, या ज्यादा पुराने स्टॉक को रीडेटेड कर उनमें विश्वास नहीं रखता। मेरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही रहती है कि कस्टमर को ठीक स्टॉक दिया जाए, अच्छा समय बाकी रहते स्टॉक दिया जाए, जिससे कि वो हमसे ले जाकर बेचने में कंफर्टेबल हो, उसको नुकसान ना हो, क्योंकि जिसको भी नुकसान होगा वो रिपीट कभी हमारे पास नहीं आएगा। मॉक पब्लिसिटी के अंदर हमारी बुराई ही करेगा, वो ना करे हमारी बुराई, हमारी आत्मा तो जानती है कि हमने उसको धोखा दिया, और धोखे की किसी कमाई को खाने में मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैं व्यापार करने आया हूं, व्यापार करूंगा और अच्छे से कमा कर करूंगा। जैसे मैं आपको उसका जीता जागता सीधा उदाहरण देता हूं, बहुत बड़ी डील अभी मैंने ये ली थी द मैन कंपनी की,
जिसने बेड़ा गर्क किया बाजार के अंदर, हमारी परचेज से भी बहुत नीचे चला गया। किसी ने कोई कलर बेचा, किसी ने कोई स्टॉक बेचा, किसी ने रिलेटेड स्टॉक बेचा, किसी ने उसको मिक्स स्टॉक बेचा, लेकिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने इस स्टॉक को होल्ड किया, प्रॉपर इंटैक्ट चारों कलर्स के साथ इसको होल्ड किया। उसके नीचे जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके ऊपर आने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने जब ये डील ली थी उसी समय में उसकी क्वांटिटी के ऊपर एक प्रॉफिट रेशियो डिसाइड कर दी थी कि हमने इस रेशियो में बेचना है। किसी के नीचे जाने का हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी के ऊपर जाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत बड़ी क्वांटिटी को हम सेल कर चुके हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी को होल्ड कर रहे हैं और इसको अपने ही रेटों पर बेचेंगे। और अगर इस तरीके से चलता रहा तो हो सकता है कि रेट इंक्रीज करके भी बेचेंगे। तो प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का उद्देश्य होता है, गंवाना बिजनेस का उद्देश्य नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप अपने बिजनेस को, अपने हुनर को, अपने दम को उस व्यापार में खराब मत करिए, काम में लाइए, उसको कमाइए और अपनी वेल्थ को बढ़ाइए। आप चार चीजें याद रखिए, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी लगन और आपका कस्टमर के प्रति रवैया, यही आपको आगे लेकर जाएगा। न तो क्या है, इस दुनिया में आने वाले रोज लोग हजारों हैं, जाने वाले लोग हजारों हैं। आने वाले कल को भी दुनिया प्रणाम करती है और जाने वाले कल को भी दुनिया प्रणाम करती है। कोई किसी को यहाँ याद नहीं रखता, सबका मकसद पैसा है। अगर आपका मकसद पैसा है तो आप किसी की बुराई मत करिए, आप बुरा कर्म करके मत कमाइए। आप इस पैसे को सीधे साफ और सच्चे तरीके से भी कमा सकते हैं। आप ईमानदारी वाले अच्छे माल खरीदिए, चाहे मेरे से खरीदिए या कहीं से खरीदिए, अच्छे रेट्स पर उनको बेचिए। ये खेल खेलना, खिलाना, गंवाना, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। आप गाड़ियां बेच लो, जहाज बेच लो या जो मर्जी कर लो, अगर आप चीजों में मुनाफा नहीं कमा सकते तो आपको व्यापार करने का अधिकार नहीं है। आप धोखा दे रहे हो किसी को तो आपको व्यापार करने का अधिकार नहीं है। आप जुआरी मत बनिए, आप बेकारी मत बनिए, आप भिखारी मत बनिए, आप व्यापारी बनिए। व्यापार करिए, तरीके से व्यापार करिए, बिना किसी के हित को नुकसान दिए, बिना किसी के चित को नुकसान दिए, बिना किसी की बात किए आप ये व्यापार किया जा सकता है। ये दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ हर तरीके के लोग मिलते हैं। आप नीचे बेचने वाले भी मिलेंगे, ऊपर बेचने वाले भी मिलेंगे। समझ का उपयोग करिए, किसके साथ चलना है आपको, कितना लंबा चलना है, कैसा चलना है। दो व्यापार में कमाकर तीसरे में अगर आपने घाटा खा लिया, एंड ऑफ द डे जीरो। आप थोड़ा कमाएंगे, कमाते चले जाएंगे, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, तो आप यहां से लेकर जाएंगे, देकर नहीं जाएंगे। व्यापार जो है पेशेंस का नाम है। यहां पर जिसने भी पेशेंस करी, अपने आप को अजमाया, अपने स्टॉक को अजमाया और उसके ऊपर भरोसा करा, आप तो वो कामयाबी रहा है। आप अपनी जिंदगी के कुछ दिन अपने आप को दीजिए, जिस भी फील्ड में, जिस भी काम में आप आ रहे हैं, तरीके से उसको कीजिए, ईमानदारी के साथ, भरोसा रखिए अपने आप पर, अपने काम पर, तो आपको जीत 101% मिलेगी। तो चलते चलते मेरी ये सीख याद रखना, मैं हर बारी बोलता हूँ कि आप बस अब बाय बाय का टाइम आ गया है। तो मैंने आपको सभी स्टॉक्स का बता दिया है, आप इसको होलसेल करना चाहते हो, आप इसको बल्क करना चाहते हो, तो आप एक टाइमिंग्स के हिसाब से मेरे को, हमारे जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं वो 11 to 7 है और मिलने का समय जो है वो 2 to 7 है। तो आप इसमें कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी PDF सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें से स्टॉक सेलेक्ट करके मुझे रिसेंड कर सकते हैं। और उसकी पेमेंट ऑप्शंस भी आपको बता दी जाती हैं और डिलीवरी भी थोड़ी सी फास्ट हो गई है, वो पहले कितना स्लो नहीं चल रही है। तो आप बेफिक्र बेझिझक व्यापार मेरे साथ कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। और बाकी आप अपने दिल की सुनिए और चलते रहिए। राम राम जी।